बेटर देन एवेंजर एंड गेम, यही देख के आप लोगों ने इस वीडियो को क्लिक किया है ना जी। आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा इसका आंसर, बट उससे पहले एक बात मैं साफ कर देता हूँ कि वैसे मैं कोई मार्वल हेटर नहीं हूँ, तू है, तेरे को पता नहीं है, लेकिन तू है। लेकिन बड़ा डीसी फैन जरूर हूँ, इसलिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने पहुंच गया लखनऊ के आईमैक्स में थर्सडे 23 दिसंबर 5:15 PM को। पर आपको मैं वंडर वुमन 1984 का रिव्यू एकदम अनबाज दूंगा और फिर आपके ऊपर है कि आप ये मूवी देखने जाएंगे या नहीं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो अब बात करते हैं वंडर वुमन 1984 की। तो ये मूवी DCEU यानी DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स की 9th मूवी है। इससे पहले बर्ड्स ऑफ प्रे आई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी। तो अगर बात करें वंडर वुमन 1984 की, तो इस मूवी की स्टोरी ठीक वंडर वुमन 1 के बाद से कंटिन्यू होती है और कुछ साल का जंप लेती है और पहुंच जाती है 1984 में, जब अमेरिका काफ़ी तेज़ी से मॉडर्नाइज हो रहा था। मूवी की लीड में है गैल गैडोत, जो एज़ यूजुअल काफ़ी खूबसूरत लगी है मूवी में। पेड्रो पास्कल भी इस मूवी में है, जिन्हें आपने पहले गेम ऑफ थ्रोन्स, नार्कोस और मैंडलोरियन में देखा होगा। वो इस मूवी के विलन हैं, और उनके साथ दूसरी विलन है क्रिस्टन विक, जिन्होंने चीता का रोल प्ले किया है। और पिछली मूवी में मारने के बाद इस मूवी में जिंदा हुए हैं क्रिस पाइन, डायना के लव इंटरेस्ट। मूवी की स्टोरी काफ़ी सिंपल है, जहां पे दिखाया जाता है कि कैसे डायना अपना जीवन जी रही हैं अकेले और टोबी मैग्वायर वाले स्पाइडरमैन की तरह कूद कूद के चोर पकड़ रही हैं। यहाँ पे वो लासो का यूज़ करती हैं स्पाइडर वेब की जगह, और बारबरा का रोल बिल्कुल से अमेजिंग स्पाइडरमैन वाले इलेक्ट्रो की तरह है। यहाँ जो मार्वल फैन खुश हो रहे होंगे कि कॉपी कर लिया, तो मैं ये बता दूं कि चीता का फर्स्ट अपीयरेंस 1943 में हुआ था और इलेक्ट्रो का 1964 में। सो स्टोरी कॉपी वाली बात कमेंट सेक्शन में मत करना। फिर एक स्टोन होता है जो कोई भी विश ग्रांट कर देता है, तो उसी के पीछे सारा चक्कर होता है। उसी को पाने के लिए पेड्रो पास्कल पगलाए हुए होते हैं और अपनी डूबती हुई ऑयल कंपनी को बचाना चाहते हैं उसी की मदद से, जो कि बात काफ़ी आगे निकल जाती है। बस मैं आपको इतना बताऊंगा स्टोरी के बारे में, नहीं तो आगे सब स्पॉइलर हो जाएगा। सो अब बात करते हैं कि इस मूवी में आपको क्यों देखनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि अगर आप DC फैन हैं तो जाना ही पड़ेगा, धर्म का मैटर है। और दूसरी बात ये कि मूवी की सिनेमाटोग्राफी काफ़ी अच्छी है, और जितने भी एक्शन सीक्वेंस शूट हुए हैं वो काफ़ी अच्छे से दिखाए गए हैं। अगर हो सके तो आप ये मूवी 3D में देखिएगा, क्योंकि इसकी 3D पे काफ़ी काम किया गया है और आपको पैसा वसूल 3D मिलेगा। बट अभी कोविड की सिचुएशन की वजह से 3D तो बंद है, सो आप IMAX में तो ज़रूर देखिएगा इस मूवी को। और एक और रीज़न मूवी देखने का ये है कि इसमें आपको DC के डार्क साइड का रेफरेंस मिलेगा, वो काफ़ी सही सीन है। अगर आपने मूवी देखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वो सीन कहाँ था। और लास्ट में एक मेजर रीज़न है इस मूवी को देखने का, गैल गैडोत। इनकी खूबसूरती आप बड़े पर्दे पे जा के देख सकते हैं, एकदम निराश नहीं होंगे। और अगर बात करूँ स्टोरी की, तो बस एक बात बोलूँगा कि ये मूवी काफ़ी स्लो है फर्स्ट हाफ में, कहानी बिल्डअप में काफ़ी टाइम लग जाता है, और करेक्टर डेवलपमेंट जल्दी दिखाते तो व्यूअर्स उतना बोर ना होते। इसकी एंडिंग भी थोड़ी सी वीक है, हर चीज़ में अच्छाई का एंगल पेलने तो जैसे आजकल ट्रेंड बना हुआ है, इसी वजह से थोड़ी एंडिंग इसकी कमज़ोर है। वो जैक स्नाइडर वाली डार्क टोन मैंने काफ़ी मिस की इस मूवी में। और रहा आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन कि इज़ इट बेटर देन एवेंजर एंड गेम, सो बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एकदम से नहीं। ये था एक हार्डकोर DC फैन का ट्रुथफुल रिव्यू। सो ये मेरा रिव्यू वंडर वुमन 84 का। तो आप लोग जरूर जाइए और देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी ये मूवी, या फिर और कोई थॉट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।